बीच में से लग्गी और निकली हुई है, पेड़ निकल रहे हैं, डंडियां निकल रही हैं इसके। गाइस गुड मॉर्निंग, एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैंने पिछला ब्लॉग अब तक ख़त्म नहीं किया है, मेरे को वो भी ख़त्म करना है, मेरे को अभी याद आ रहा है, उसको एडिट भी नहीं करा है, तो शायद आपको ये कंसेक्यूटिव भी मिलेंगे ब्लॉग देखने को। तो चलो यार, अभी आई एम रेडी, देखते हैं कहाँ जाना है। कल होली है और होली का भी कुछ बनाएंगे साथ में, इसके साथ ही कंबाइन कर दूंगा। एंड आज देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मैं तो तैयार हूँ एज़ यूजुअल, आई एम ऑन टाइम, आई एम पंचुअल। अनिकेत एज यूजुअल, उसको फ़ोन किया था मैंने, बंदा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मेरे को 40 मिनट पहले फ़ोन आया था कि हाँ भाई मैं दुकान पे हूँ, जाना कहाँ पे ये बता। मैं तो नहा ले, पहले खाना खा ले, फिर देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और वो बंदा अब तक अभी मैंने फ़ोन किया था और वो अब तक रेडी नहीं हुआ है। पता नहीं यार क्या गिला पीनी है वो। टाइम से तैयार होगा नहीं, मेरे को पता ही है, अभी खाना खाया है, अभी नहाएगा। मेरे को बोल रहा नहाने में भी आधा घंटा किसको लगता है भाई, 12 बज रहे हैं, आधा घंटा नहाने को किसको लगता है, ऐसा क्या नहाना उसने। हाँ बंदा जो साल में एक बार नहा रहा हो, साल में चलो साल में ज़्यादा हो गया, हफ्ते में एक बार नहा रहा हो तो ऑब्वियसली फिर अच्छी तरह से आधे घंटे लगा के मैल निकालनी पड़ती है ना सारी। नहाना तो है नहीं पूरा हफ्ता, एक बार नहाएगा सिर्फ हफ्ते में एक बार, तो इतना टाइम लग सकता है ना। तो लेट्स सी आज कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। फिलहाल घर का थोड़ा सामान लेके आना यार, वो भी देखूँगा रास्ते में। मेरे को इडली उडली वगैरह खानी होती है, चावल का आटा ढूंढूंगा, जो चावल का आटा मिलता है इडली उडली बन जाएगी उससे बढ़िया ना। एंड बाकी लेट्स सी क्या करना है क्या नहीं। बाकी अभी सोलो लेवलिंग देख के आता हूँ, एपिसोड का मज़ा आ गया देखने का। कौन कौन एनिमे देखता है बताना है मेरे को, मैं तो देखता हूँ, मेरे को सारे बोलते तो बच्चा है, बट उनको क्या पता एनिमे का चीज़ होती ना, मज़ा आता देखने का बहुत। तो अभी देखते हैं चलते हैं, मैं वेट करता हूँ उसको थोड़ी देर, एंड देन देखते हैं कहाँ जाना है। लेट यू नो बाय। फाइनली यार अनिकेत का कॉल आ गया है, महाराज जी तैयार हो गए हैं तो अभी निकलते हैं। हेलमेट ले लिया यार, और हाँ यार किस किस के पास है यार एमोलेड डिस्प्ले यार बताना यार मेरे को, क्योंकि मेरे पास तो एमोलेड डिस्प्ले वाला ही फ़ोन है और यार निशान पड़ गए हैं, मेरे को लगता है इसकी LEDs फुक गई हैं सारी की सारी। और यार एक चीज़ दिखाता हूँ, घर के बाहर का व्यू सही लग रहा है ना, पूरी ग्रीनरी है यार, और ऐसे दर्शन तो हिमाचल भी हो सकते हैं पूरे के पूरे। कर्क लगा रखी है, अभी पकड़ने का टाइम हो गया, गर्मी बढ़ जाएगी साथ के साथ, बट हाँ दूर दूर से देखोगे ना तो ग्रीनरी ग्रीनरी है और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो मैं निकलता हूँ यार, चाबी उठाऊँ और निकलूँ, मेरे को वेट करना पड़ेगा थोड़ा उसके। मम्मी बाय बाय, सो जाए हो, दवाई खा लियो ठीक है, ते पर्ची लेके आनी है, एंड चावल का आटा और बस। ओके अच्छा गाइस यार, हैप्पी होली एडवांस में ही, जब भी ये वीडियो आएगी समझ लेना मैंने भी उसी दिन पे विश किया है ठीक है। और चलो यार मैं निकलता हूँ अभी, धूप निकल गई फाइनली, लेट्स गो। गाइस हेलमेट लगाने के बाद ना बाल तो ख़राब होते होते, लंबे करने पड़ेंगे यार। ऊपर ठंड है यार, मैं टी शर्ट में आ गया हूँ सिर्फ, ये देखो ये जैकेट में ऊपर है, इसकी जैकेट पहननी पड़ेगी मेरे को, ऐसा लगेगा पैसा। ₹10 का बंदा ये है सिर्फ है ना, ₹10 का बंदा तू। तो गाइस अभी धर्मकोट की मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, तो की नहीं इसने बस स्टार्ट करने लगे हैं ठीक है, पहुंचे हैं पर। अच्छा बता पैर ठीक है तेरा, सिलेंसर को पैर लगा के कैसा लगा? बढ़िया, पैर स्टार्ट कर था बना इस साइड आए हम। हाँ नहीं उसके साथ आते हैं, हानि के साथ ऊपर तक गए थे, होगी शादी, होगी शादी अब उसकी। भाई है तो फॉरनर वैसे नरमी है। फाइनली धर्मकोट पहुंच गए हम यार, व्यू देखो कितना सही है, आपको होप सो कैमरा में दिख रहा होगा पीछे,
एरिया सुनसान ही है, पता नहीं कहाँ घुसे हुए हैं। अभी फोटोशूट डन है और बंदा स्मार्ट लग रहा है ना पीछे, अभी बोलेगा मैं स्मार्ट ही हूँ। स्माइल देखी स्नीकी बास्टर्ड। आपको व्यू दिखाता हूँ, उनको देख सकते हो कितना सही है पूरा। ये नीचे का धर्म कोड है ना, ये धर्म कोड दिख रहा है हमारा पूरा, धर्म कोड का जो मार्केट है जो हमें अभी एक्सप्लोर करनी है। हम ऊपर आ गए हैं ऐसे फालतू में ही फोटोज़ क्लिक कराने के लिए, और कितना सही लग रहा ना, बहुत सही है। मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ थोड़े से, इन्जॉय करना आप लोग। और यार वहाँ पे एक होटल है, जेके रिजॉर्ट है, जो भी मतलब जिसने भी ऊपर लिया होगा पूरा का पूरा पूरा वैली का व्यू दिख रहा होगा पीछे नीचे से, और वैली कितनी सही लग रही है, तो दूर दूर दिख रहा, कांगड़ा दिख रहा होगा मेरे पास यहाँ से। बट हाँ यार नाइस प्लेस है, और शॉर्ट्स इन्जॉय करो। धर्म कोड का मतलब सबसे ऊपर एरिया ही है, तो यहाँ पे घरों के साथ है ना लोगों ने बहुत सारे कैफेज वगैरह खोल रखे हैं, और हमने भी एक्सप्लोर नहीं किया ना तो कैसे, हम भी नहीं गए अभी तक। तो एक नई जगह मिली है, फॉरबिडन या हिडन जेम बोल सकते हो, हाँ फॉरबिडन नहीं हिडन, फॉरबिडन तो कुछ और ही हो गया, हिडन जेम मिला यहाँ पे ऊपर हमें, तो वो एक्सप्लोर करना रह गया है, करेंगे इस दिन, आज नहीं फिलहाल, आज तो फिलहाल मार्केट ही देखनी है। और आज का खाने पीने का प्लान ट्रैक एंड डाइन में है, क्योंकि ट्रैक एंड डाइन अभी ही नया खुला है, उन्होंने रेनोवेट किया पूरा पूरा, देखते हैं क्या चेंजेस किए हैं, और देखते हैं मेन्यू में भी चेंजेस है या नहीं, होप सो होंगे। अरे आप भी बोलते होंगे ना, बंदा एक ही जगह घुसा रहता है, मैकलो। हाँ, मैं तो कोई मतलब नहीं है मुझे तो पार्टी से, मतलब है एक लाता रहता है, मैं खाता रहता हूं। हाँ इसका बैंक अकाउंट में हूँ, और ये बोलता तनख्वाह में है, ये मेरे को ड्राइवर ही 5 रुपये तनख्वाह रहता है, 5 रुपये दे रहा, कमा नहीं रहा होगा इतने सालों से 50 रुपये निकाल उसमें से, 5 रुपये काट के दूसरे को दे, दे साले 50 रुपये जेब में देते हैं। वैसे कि साला जो यूनिवर्सल गाली नहीं है, स्लैंग ही बन गया हुआ पूरा ना, मतलब साला तो कौन होता है, तेरी वाइफ का भाई, क्या हुआ, मार खाएगा चप्पल खाएगा साले का, साला तो निकला जी घर वाला, क्या बोला तूने। अरे कहने का मेरा मतलब ये है कि एज ए, इसको कैमरा बैग खराब हो गया, एज ए स्लैंग ही यूज़ करते हैं हम। हे चलो यार मार्केट दिखाते हैं आपको, शॉर्ट्स दिखाते हैं, और मैं कैमरा बार बार हिल जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसको। जिंदगी ले ये कैमरा नहीं लेगा, अरे तेरे साथ रहेगा जिंदगी ली रहेगी, कोई नहीं बोल। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद, कुछ नहीं किया, आज मेरी बारी है, टी गार्डन है सरा वाली साइड, ओ यार बोलते हैं उसको शायद, हाँ तो वहाँ पे एक कैफे ये खुला हुआ देख सकते हो आप, एक उसके ऑपोजिट है वहाँ पे, दो सौ साउथ इंडियन लग रहा है, और ऊपर वाला पता नहीं क्या है क्या नहीं है, दो तो ये खुल रहे हैं, और आगे आधी कंस्ट्रक्शन जो चली हुई है अभी, चीज़ें लोग एक कैफे ही है यार, ओपन हार्ट दिल खोल के, जिनके मतलब हार्ट ओपन होता है ना यहाँ पे वही बैठ सकते हैं, जिन्हें दिल खोल के बातें करनी होती है वही लाउड है। कैसा हॉन्टेड सा पेड़ लग रहा है, बीच में से लग्गी और निकली हुई है, पेड़ निकल रहे हैं, डंडियाँ निकल रही हैं इसके, और पूरा सूखा पड़ा है, पता लगे भूत हैं इसके ऊपर। बट यार जैसे ऊपर वाले पत्ते हैं इसके, वो जापान में कौन सा फेस्टिवल होता है यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ओसाका में होता है, थोड़ी थोड़ी वैसी वैसी वाली फीलिंग दे रहे हैं सारे यार, नाइस प्लेस बैठने के लिए, ये हमारे मजनू जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी सही लग रहा है ना स्टेप फार्मिंग बोलते हैं इसको, है ना, और कुछ तो बोलते नहीं है, चलो